प्रश्नमाला 5D का क्वेश्चन नंबर 16 भी हल करेंगे। तो किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम पहले लिखेंगे माना शहर का, देखिए का छूट गया, शहर का कुल जनसंख्या कितना है, X। ठीक है, यहां पे देखिए हम कुल जनसंख्या को X मान लेंगे, यानी सब सब मिला करके X हैं, हिंदू मुसलमान जो भी अन्य शेष दिया हुआ है धर्मावलंबी सब मिला करके कितना है, X। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है किसी शहर में 53% हिंदू, तो 53% मतलब कितना हुआ, 53% गुने X इतना हो गया हिंदू। ठीक है, 53% गुने X हिंदू और 39% मुसलमान, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 39% गुने X मुसलमान। ठीक है, तो हिंदू प्लस मुसलमान, यहाँ पे देखिए दोनों दिया हुआ था तो दोनों को हम जोड़ दिए, इतना हिंदू, 53% गुने X, कुल को हम X माने हैं तो 53% दिया, यानी एक्स का ही 53% है, तो 53% गुने एक्स प्लस 39% गुने एक्स। अब देखिए ये दोनों को हम ब्रैकेट में इस तरह ले लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं, तो 1256 शेष दिया हुआ है तो हम यहाँ पे बराबर में लिख देंगे 1256। अब देखिए जब बराबर में हम लिखे हैं तो यहाँ पे हम एक से इसको घटाएंगे, यानी कुल से हिंदू मुसलमान को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो 1256। तो कुल हम कितना माने हैं, एक्स, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या में से हिंदू और मुसलमान दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो जो बचेंगे वो कितना, क्या बचेंगे, शेष धर्मावलंबी जो कि दिया है 1256। तो ये बन गया देखिए हमारा समीकरण। ठीक है, तो इस अब इसको हम हल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा, यानी कुल जनसंख्या आ जाएगा, उसके बाद हम कुल आने के बाद हिंदू का निकाल लेंगे। ठीक है, 53% गुने x के जगह पे रख के कुल कुल का आ जाएगा, x आ जाएगा, तो फिर हम हिंदू का आसानी से निकाल लेंगे, यानी x के जगह पे जितना आएगा उतना रख करके। तो अब देखिए इसको पहले हल कर देते हैं, तो लिखेंगे एक्स माइनस, देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, 100 से भागा होता है, और एक्स एक्स 53 के साथ गुना हो जाएगा, यानी 53x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 39/100 और एक्स हो जाएगा 39 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर 1256। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 100, 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, देखिए भिन्न का जोड़ हो गया है, तो ऊपर लिखेंगे 53x+39x बराबर 1256। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक्स माइनस 53 और 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 3 12, हाथ में रहा 1 5 3 8 1 9, यानी 92x/100 बराबर 1256। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे एक है, तो 100 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, यानी 100x-92x=1256। ठीक है, भिन्न का घटाव है ये, देखिए तो 100x-92x/100=1256 हो जाएगा, तो 100 में से 92 गया तो 8x, तो लिखेंगे 8x/100, तो 8x/100 बराबर हो जाएगा 1256। अब देखिए 8x बराबर हो जाएगा 1256 गुने 100, यहां पे देखिए 100 भागा में है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ गुना में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 1256 गुने 100 भागा 8,
यहाँ पे 8 देखिए गुना में है, तो 8 भागा में हो जाएगा बाएं से दाया आके। अब 8 से इसको काट देते हैं, तो 8 से ये कट जाएगा कितना बार में, देखिए एक बार में कटा, तो 4 इधर आए 45, ठीक है, तो 8 5 40, फिर इधर आ गया 5, तो 56 हो गया, 8 7 56, यानी 157 बार में कटेगा, तो x बराबर आ गया 157। फिर देखिए गुना 100, यानी 2 0 और इस पे लगा देंगे, तो शहर का जनसंख्या कितना हो गया, 15,700, यानी सभी धर्म के लोग कितना है, 15,700। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए शहर में कितने हिंदू हैं, तो कुल आ गया है, अब हिंदू का निकाल देंगे, तो देखिए हिंदू बराबर कितना दिया हुआ है, 53%, ठीक है 53% है, तो 53% गुने कुल कितना आया है, कुल आ गया है 15,700, ठीक है, तो 53% गुने एक्स, एक्स का मान आ गया है 15,700, ठीक है कुल आ गया, तो कुल से 53% को आप गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 53/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा होगा, गुने 15,700, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 53 गुने 157 करेंगे तो आ जाएगा 8,321, ठीक है, यानी हिंदू 8,321 उस शहर में हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपया प्रति लीटर है, बताइए पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लिखेंगे, माना पहले दूध का दाम था 1 रुपया, ठीक है दूध का दाम था 1 रुपया प्रति लीटर लिख देते हैं, ठीक है क्योंकि दूध हमेशा लीटर, ठीक है, तो हम लिख देंगे माना पहले दूध का दाम था 1 रुपया प्रति लीटर। अब देखिए कह रहा है दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर अब 5 रुपया प्रति लीटर है, बताइए पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो देखिए क्वेश्चन कैसे यहाँ पे बना हुआ है, मतलब 25% बढ़ जाने पर 25% दूध का दाम बढ़ गया है, जो कि अब है 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, यानी दूध का अभी दाम है 5 रुपये प्रति लीटर 25% बढ़ जाने पे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, यानी पहले था तो 25% बढ़ रहा है, यानी 25% गुना एक्स, पहले था 1 रुपये प्रति लीटर तो 25% बढ़ा, तो 25% गुना एक्स करेंगे, ठीक है जब भी बढ़ेगा तो पहले के दाम पे ही बढ़ेगा, तो 25% बढ़ रहा है तो इसको गुना कर देंगे सीधा, 25% गुना एक्स। अब देखिए कह रहा है कि अब है 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है अभी है 5 रुपये प्रति लीटर, तो देखिए पहले का दाम एक्स था 1 रुपये प्रति लीटर, और अभी बढ़ा हुआ है इतना, तो पहले का दाम में जो बढ़ा हुआ, देखिए बढ़ा है इतना 25%, ठीक है, तो पहले के दाम में जो बढ़ा है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अभी का दाम कितना है, बराबर 5 रुपये प्रति लीटर, तो बराबर 5 हो जाएगा, यानी पहले के दाम में बढ़ा हुआ दाम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है, तो आप देखिए इसको हल करेंगे, तो एक्स प्लस प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, और एक्स 25 के साथ गुना हो जाएगा, यानी 25x हो जाएगा बराबर 5, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम पहले इसको 25 चौक 4 बार में काट लेते हैं, तो हो गया एक्स प्लस, देखिए ऊपर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, नीचे 4 है, देखिए 25 चौक 100 4 बार में कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो एक बचा, तो 1 गुने x x हो जाएगा, तो एक्स प्लस x/4 बराबर 5, ठीक है। अब देखिए 4 लघुत्तम लेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4x+x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 1 गुने 4 1 4 से 1 से 4 4 बार में लगता है, तो 4 गुने x 4x+x = 5, तो हो जाएगा 4x+x कितना हो जाएगा, 5x/4 = 5, 5x/4 = 5 आ गया, तो x का मान निकाल लेते हैं। अब यहां पे लिखेंगे 5x = 5 गुने 4,
देखिए, चार भागा में बायां तरफ तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4 भागा 5। देखिए 5 गुना में बायां में तो दायां में क्या हो जाएगा, भागा में 5 से 5 खत्म हो गया, यानी x बराबर आ गया 4, ठीक है। तो दूध का, अभी का दूध का दाम कितना आ गया, 4 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। देखिए पहले दूध का दाम 1 रुपया प्रति लीटर माने थे, ठीक है, तो वही आ गया है। तो पहले का दूध का दाम आ गया है 4 रुपया प्रति लीटर, अभी का तो 5 रुपये है, ये एक्स जो हम माने थे पहले का दूध का दाम वो आ गया है 4 रुपये प्रति लीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए पहले 16 लीटर दूध का दाम क्या था। तो देखिए पहले का दाम तो आ गया है, अभी का दाम दिया हुआ था 5 रुपये प्रति लीटर और पहले का दाम हम निकाल चुके हैं 4 रुपये प्रति लीटर। तो 16 लीटर, पहले 16 लीटर का दाम कितना होगा, 16 × 4 यानी 64 रुपया हो जाएगा 16 लीटर का दाम, तो वही निकालना है हमको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले 16 लीटर दूध का दाम था, देखिए पहले का निकला हुआ है 4 रुपया प्रति लीटर, तो 16 × 4 यानी 64 रुपया, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लिखेंगे पहली, माना दूसरी संख्या बराबर x। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, ठीक है, यानी अधिक है, ज्यादा है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, जब तो दूसरी संख्या से पहली संख्या 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या कह रहा है, 20% अधिक, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या x और ठीक है उससे 20% अधिक है, यानी 20% × x। देखिए दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 20% अधिक हुआ तो 20% × x करेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या यानी 20 ज्यादा होगा, तो 20% × x के साथ ये दूसरी संख्या जोड़ेंगे, अधिक कह रहा है, ठीक है, तो अधिक इतना आया और x के साथ जोड़ देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो x+20% × x कर देंगे, यानी 20% अधिक है, तो 20% × x करेंगे, इतना अधिक हुआ और इससे ज्यादा है 20%, तो x प्लस यानी दूसरी संख्या से ज्यादा है, तो x+20% × x, तो ये हो जाएगा x प्लस, देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, x 20 के साथ x हो जाएगा, देखिए प्रतिशत हट गया तो नीचे 100 हो गया, तो x 20 के साथ गुना हो जाएगा, तो 20 बचे कितना होता है, 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो x है, x+x/5। तो देखिए यहां पे 5 लघुत्तम हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 × x 5x हो जाएगा प्लस x, यहां पे x है, तो आ गया इसका आंसर बराबर 5x+x कितना हो गया, 6x/5। यानी देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या को x माने हैं, तो पहली संख्या कितना निकल गया, 6x+6x/5, ठीक है, तो पहली संख्या निकल गया है। अब कह रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो अब हमको निकालना है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। तो देखिए दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितना निकला, 6/5x, यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या 6/5x गुना बड़ा है। अब देखिए लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कम कितना कम है, तो बराबर करेंगे 6x/5 − x। तो यहां पे देखिए दूसरी संख्या x है और पहली संख्या निकल के आया है 6x/5, ठीक है, तो ये बड़ा हुआ, पहले संख्या देखिए बड़ा है, 6/5 गुना
दूसरी संख्या से बड़ा है तो कितना कम हुआ, तो इसको घटाएंगे पहले, तो ये आ जाएगा देखिए 5 लघुत्तम होगा तो 6x-5x, यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा, 5 लघुत्तम है तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 6x में से 5x गया तो x/5, ठीक है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से x/5 कम है, ठीक है, तो घटा देंगे इसको। अब देखिए अब कह रहा है कि प्रतिशत निकालना है हमको, तो लिखेंगे, तो देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कम का प्रतिशत, यानी प्रतिशत कम बराबर x/5, देखिए x/5 है, भागा भागा देंगे 6x/5 से, तो यहां पर देंगे भागा 6x/5, ठीक है, गुना 100। तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे निकालना है उसको उससे भागा देते हैं, तो देखिए 6x/5 से इसको भागा दिए हैं, फिर 100 से गुना करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कम, इतना कम है तो उसको हम लिखे हैं यहाँ पे, फिर भागा देंगे इस जिससे निकालना है कितना प्रतिशत कम है तो उसको लिखेंगे, उससे भागा देंगे, फिर 100 से गुना करेंगे, तो अब देखिए 1/5 × 5/6x × 100, यहाँ पे देखिए ये भागा है तो उसको गुना में करेंगे तो अंश है जो हर बन जाएगा और हर है जो अंश बन जाएगा, ठीक है, अब देखिए इसको काट देते हैं तो 5 से 5 कट गया, 1 से x खत्म हो गया, ठीक है, 1 से x खत्म हो गया, अब इसको देखिए काटेंगे तो 2 से 50, 50 × 100, 3 × 6, तो कितना आ गया, यानी आ गया 50/3, ठीक है, अब देखिए इसको भागा दे देंगे तो 3 से 1 बार में 2 इधर गया, 20 हुआ, 3 6 18, फिर 2 बचा तो 2 ऊपर लिख देंगे, 16 पूर्णांक 2/3, 3 नीचे ही रह जाएगा, तो 16 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत क्या है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कम है, तो इस तरह हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, यहां पे बस हमको जो कम आया है उसको भागा दे देंगे, जो पहली संख्या है जो ज्यादा है, ठीक है, तो उससे भागा देंगे और गुना 100 करेंगे, तो ये प्रतिशत हमारा आ जाएगा 16 पूर्णांक 2/3 प्रतिशत। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और शुरू से देखना चाहते हैं क्लास 7 का भारती भवन का मैथ तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से देख सकते हैं, प्रश्नावली 1 से, प्रश्नवाला 1 से, धन्यवाद।